हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नॉलेज स्कूप। आज की वीडियो में हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन ये इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। इस सीरीज़ का नाम है कैन आई टेक सीरीज़। इसमें हम ये बताने वाले हैं कि BHU में जैसे सब लोगों ने अभी अपना एंट्रेंस का फॉर्म भर लिया है, तो काउंसलिंग के वक्त प्रेफरेंस एंट्री भरना होता है, तो उस प्रेफरेंस एंट्री को लेकर ही हमारा ये वीडियो होने वाला है कैन आई टेक सीरीज़, जिसमें हम अलग अलग ऑनर्स के बारे बताएंगे कि किस तरह से आप किसी ऑनर्स को ले सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे बच्चों ने कॉम्बाइंड फॉर्म भरा है आर्ट्स और सोशल का, तो हिस्ट्री यदि लेना है हिस्ट्री ऑनर्स, तो वो किस फैकल्टी में मिलेगा या उसके क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं, उससे आप भविष्य में क्या कर सकते हैं, उसका स्कोप क्या है, फिर उसके बाद आप अपना ऑनर्स चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो ऑनर्स का सब्जेक्ट आर्ट्स में है या सोशल में है, और काउंसलिंग के वक्त किस तरह से आपको प्रेफरेंस एंट्री भरना होगा। पूरा इसी पे बेस्ड हमारा ये सीरीज़ होने वाला है कैन आई टेक इनिशिएटिव ऑफ BHU द नॉलेज स्कूप, जिसमें हम बताएंगे कि किस तरह से बच्चे अपना ऑनर्स सही तरह से भर सके, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जानकारी के अभाव में गलत ऑनर्स मिल जाता है और वही 3 साल पढ़ना भी पड़ जाता है। टारगेट कुछ और करके आते हैं बच्चे और मिल कुछ और जाता है और पढ़ना भी वही पड़ जाता है मजबूरी वश। तो इसलिए हम ये वीडियो सीरीज़ ला रहे हैं जिसकी वजह से आप लोगों को हेल्प मिलेगा कि आखिर हम लोग किस तरह से अपना अपना प्रेफरेंस एंट्री भरे कि हमें सही ऑनर्स मिल सके BHU में। ओके, सो अब बात है कि कैन आई टेक सीरीज़ में हम किस किस फैकल्टी के सब्जेक्ट्स को लेंगे या कोर्सेज को लेंगे। तो BHU में जितने भी कोर्सेज होते हैं उन सभी का, ग्रेजुएशन हो या मास्टर्स हो, उन सभी का हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं कैन आई टेक सीरीज़ के अंतर्गत, जिसमें आपको साइंस का भी मिलेगा, आर्ट्स का भी मिलेगा, सोशल का भी मिलेगा, और भी जितने भी साइड से जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं BHU में, उन सब के बारे भी आपको इसमें पता चलेगा। सो नेक्स्ट बात मैं ये करना चाहूँगी कि जैसे आप जहाँ जा रहे हैं पहले, उसके बारे आपको जानकारी होने का भी बहुत ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आप आर्ट्स फैकल्टी में आने वाले हैं, तो आर्ट्स फैकल्टी दिखता कैसा होगा, सोशल में जाएंगे तो सोशल फैकल्टी दिखता कैसा होगा, सोशल साइंस का फैकल्टी के साथ साथ हॉस्टल्स कैसे दिखते हैं, BHU कैसा दिखता है, इन सभी को यदि आपको देखना है तो हमारा एक दूसरा चैनल भी है BHU द स्टूडेंट लाइफ, जो व्लॉगिंग चैनल है जिसपे एजुकेशनल व्लॉगिंग की जाती है। आपको हॉस्टल से लेकर मेस से लेकर ग्राउंड फैसिलिटीज़, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, जो भी है BHU में, लाइब्रेरी, वाईफाई, सब के बारे पता चलेगा। उस चैनल को आप ज्वाइन कर ले और अपने अपने डिज़ायरेबल फैकल्टी को देखें कि आखिर फैकल्टी कैसा दिखता है। लॉ फैकल्टी है तो वो कैसा दिख रहा है, आर्ट्स फैकल्टी वो कैसा दिख रहा है, आर्ट्स फैकल्टी का कैंटीन कैसा दिखता है, हॉस्टल कैसा दिखता है, हॉस्टल है तो हॉस्टल की क्या क्या फैसिलिटीज़ है, बाथरूम कैसा है, बेडरूम कैसा है, और ग्राउंड कैसा है, क्या खेलने की सुविधाएं हैं, और भी क्या क्या BHU में, वो सब आप हमारे व्लॉगिंग चैनल पर देख सकते हैं BHU द स्टूडेंट लाइफ। ओके, सो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस चैनल का। और इसके साथ साथ आप उस पर जो भी कॉमेंट करेंगे कि आपको कौन से फैकल्टी का देखना है, उस पर आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा और वीडियो भी तुरंत बना दिया जाएगा। तो दिस वे विल स्टार्ट आवर कैन आई टेक इनिशिएटिव ऑफ BHU द नॉलेज स्कूप, जिसमें हम बच्चों को बताएंगे कि किस तरह से आप अपने काउंसलिंग में सही प्रेफरेंस एंट्री भर सकते हैं और अपना प्रेफरेबल डिज़ायरेबल ऑनर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद द नॉलेज स्कूप एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।